प्यारे छात्रों, मैं शांतिनाथ झा। आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों को हिंदी में चतुर्थ पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं लेखक परिचय देने जा रहा हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद के फतेहपुर के हथ गांव में हुआ था। विद्यार्थी के पिता मुंशी जयनारायण लाल ग्वालियर रियासत में एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उर्दू और फारसी भाषा में उन्हें काफ़ी रुचि थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के नाते गणेश शंकर विद्यार्थी की आगे की पढ़ाई नहीं हो सकी। गणेश शंकर विद्यार्थी को पत्रकारिता में काफ़ी श्रेय थे। ब्रिटिश शासकाध्यक्षों के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं था, इसके चलते उन्हें नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। गणेश शंकर विद्यार्थी को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें मासिका पत्रिका सरस्वती में सब एडिटर के तौर पर उन्हें नौकरी दी। द्विवेदी जी उन्हें बहुत सम्मान देते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे देशभक्त थे, बहुत अच्छे देशभक्त थे, सही थे। सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव कटिबद्ध रहते थे। समाज में किसी प्रकार की किसी बात को लेकर के फ्रिक्शन हो जाता था, माहौल खराब हो जाता था, तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए हमेशा वे तैयार रहते। उन्होंने धर्मांधता कभी स्वीकार नहीं की। प्यारे बच्चों, यहाँ शब्द आया है धर्मांधता, जिसका अर्थ होता है धर्म के प्रति कट्टरता। इस संदर्भ में उनका व्यक्तित्व कुछ कुछ संत कबीर जैसा था। अंतर केवल इतना था कि कबीर के चिंतन का स्रोत जहां मूल ब्रह्म था, उनके चिंतन का जो स्रोत था वह ब्रह्म पर आधारित था, वही विद्यार्थी के चिंतन का मूल था राष्ट्र। राष्ट्र निर्माण के कार्य में, देश के निर्माण के कार्य में वे हिंदू और मुसलमान दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानती थी। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमानों की संख्या अधिक है, लेकिन उन दोनों के बीच में उनकी जो भूमिका रहती थी वह महत्वपूर्ण थी। 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी का वह पुण्य दिन था जब इलाहाबाद के अतरसैया मोहल्ले में इस महान विभूति का जन्म हुआ था। इस महान विभूति का जन्म 26 अक्टूबर 1890 ईस्वी को हुआ था, और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अतरसैया मोहल्ले में। गणेश शंकर के पिता श्री जयनारायण श्रीवास्तव फतेहपुर जिले के हूठ गांव के मूल निवासी थे। वे ग्वालियर में अध्यापक थे। गणेश शंकर की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के मुंगावली नामक स्थान से ही प्रारंभ हुई। यहीं उन्होंने कानपुर स्थित क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एंट्रेंस की परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी, इतनी खराब थी, आर्थिक अभाव के कारण उन्हें 7-8 महीने बाद ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। उनका विवाह इलाहाबाद के मुंशी विश्वेश्वर दयाल की पौत्री चंद्रप्रकाश देवी के साथ हुआ। कॉलेज तो छूट गया, किंतु इसी साल उनका प्रवेश पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया। उन्होंने कर्मयोगी पत्र के लिए लेख और टिप्पणियाँ लिखकर अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत। इन्हीं दिनों में सरस्वती के प्रख्यात संपादक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए और उनके सहायक बनकर संपादन कार्य में हाथ बटाने लगे। द्विवेदी जी उन्हें बहुत सम्मान देते थे, बहुत आदर देते थे। प्यारे बच्चों, इसी के छात्र आज मैं अष्टम वर्ग के छात्रों को चतुर्थ पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़ाया। फिर अगले दिन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा।